देखिए कितनी अच्छी आलू की पकौड़ी बनी है, इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं अनीता जैन आज आलू की पकौड़ी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक कप बेसन, दो आलू, ये कच्चे हैं, इन्हें इस तरह से काट लिया है, और हरा धनिया। अब हम पकौड़ी का घोल तैयार करेंगे। सबसे पहले तो इसमें मसाले डालेंगे, बेसन में आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्ची, आधी चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी हींग, इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसका पानी डालते हुए पकौड़ी का बैटर तैयार करेंगे। इसमें हमें एक कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है बैटर तैयार करने में। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे और ये आलू के पीस डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया है, तेल गरम कर लिया है। अब इसमें एक एक करके इस तरह से डालेंगे। इस तरह से बेसन में डिप करते हुए और गैस सिम रखेंगे। सिमी आंच पे हमें पकौड़ियां तैयार करनी है। अब इन्हें हम पलट लेंगे और इन्हें सेक लेंगे। ये हमारी पकौड़ियां सिक गई है, देखिए इस तरह से सेक लेंगे। अब इसी तरह सभी पकौड़ियां बना लेंगे। ये हमारी आलू की पकौड़ी बनके तैयार हो गई है। पसंद आने पर मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।